हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैटरीज के बारे में। जी हां, बैटरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैटरीज। बैटरीज के बारे में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर हमारे जो मोस्ट 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर 61 to 65 मैं बैटरीज के टॉपिक के नाम करता हूँ। बात करते हैं पहले क्वेश्चन के। स्टूडेंट, सबसे पहले आता है कि भाई बैटरीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। तो बैटरीज अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कंबाइन करते हैं, टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम कंबाइन करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज नोन एज बैटरी। देर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जिसको हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसे अगेन रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इसके एग्जांपल्स में आते हैं ड्राई सेल, जिसको लेक्लांशी सेल भी कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और इसके अलावा मर्करी सेल, ये भी प्राइमरी बैटरी में आता है। बात करें सेकेंडरी बैटरीज की, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी बैटरीज विच कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज अगेन एंड अगेन बाय रिचार्जिंग अ प्रॉपर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी बैटरीज हैं जिनको अगर हम प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं वो फिर से रिचार्ज हो जाती हैं और उनको बार बार यूज किया जा सकता है। और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आती है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टर में यूज होती है। इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। व्हीकल्स में जो बैटरी रखी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो सेकेंडरी बैटरी विच कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज अगेन एंड अगेन आर नोन एज सेकेंडरी बैटरीज। और उसके एग्जांपल में हम पढ़ रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। किसी भी बैटरी में, किसी भी सेल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि भाई इलेक्ट्रोड किसके बने। लेड स्टोरेज बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें एनोड, एनोड इसमें बना होता है पीबी लेड का। एनोड किसका बना है? पीबी का बना है, लेड का बना है। और कैथोड इसमें बना होता है लेड ऑक्साइड। कैथोड इसमें बना होता है लेड ऑक्साइड PbO2। किसका बना है कैथोड? PbO2 लेड ऑक्साइड, जिसमें पीबी का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज, एक नंबर में, एक मार्क्स के क्वेश्चन में, वन मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि भाई लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी इज डाइल्यूट H2SO4 और उसकी कंसेंट्रेशन होती है 38% H2SO4 इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये थी बात, एनोड किसका बना है? पीबी का बना है, लेड का बना है। कैथोड किसका बना है? PbO2 लेड ऑक्साइड का बना है। इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है? H2SO4 कितने परसेंट? 38%। इसके बाद अगर बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है कि इसके इलेक्ट्रोड से रिएक्शन कौन सी हो रही है। एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड में क्या रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन हो रहा है और रिचार्जिंग रिएक्शन क्या है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी के इलेक्ट्रोड्स पे होने वाली रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एनोड पे क्या होगा। एनोड, एनोड की अगर हम बात करें जो बना है पीबी लेड का, यू नो स्टूडेंट्स एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये पीबी इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 के SO4-2 आयन से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा PbSO4। क्या बना लेगा? PbSO4। Pb यहां पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और PbSO4 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यानी कि लेड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदला है। अगर इसने ऐसा किया तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं, तो साथ में आ जाएंगे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सी रिएक्शन हुई स्टूडेंट? ये ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर एनोड पर पीबी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
और क्या बनाया इसने, PbSO4। ये SO4-2 आयन कहां से आया, हमने अभी बात की कि भाई इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का 38% एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन से, SO4-2 आयन से, तो ये आया है इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये रिएक्शन हुई एनोड की। अब बात करते हैं भाई कैथोड पे क्या होगा, कैथोड किसका बना है, कैथोड बना है PbO2 लेड ऑक्साइड का, PbO2 लेड ऑक्साइड, ये रिएक्ट करेगा SO4-2 सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन से, साथ में 4H पॉजिटिव ये भी एसिड से ऑब्टेन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर PbO2 का रिडक्शन होना है, क्या होना है, रिडक्शन। कैथोड में हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, देखते हैं, प्रोडक्ट इसमें बनेगा PbSO4 प्लस 2H2O। तो देखिए स्टूडेंट, रिएक्टेंट साइड लेड यहां पर है PbO2 में, लेड ऑक्साइड में, PbO2 में, इसमें Pb लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, PbO2 में Pb का लेड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, और बात करें प्रोडक्ट साइड PbSO4 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, यानी कि यहां लेड +4 स्टेट से किसमें बदल रहा है, +2 स्टेट में बदल रहा है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहां पे हो रहा है रिडक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये थी लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी के इलेक्ट्रोड्स पे होने वाली रिएक्शन, एनोड एंड कैथोड पे होने वाली रिएक्शंस को हमने यहां पे अलग-अलग पढ़ा। हमने देखा कि एनोड पे पीबी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे PbO2 यहां पे रिड्यूस हो रहा है। अब बात करते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं या पूरे कंप्लीट सेल की रिएक्शन की बात करूं, तो हमें एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड करना है, LHS को LHS में, RHS को RHS में, ऐड करके हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी होती है। तो देखिए LHS में हमारे पास क्या है, Pb है, LHS में हमारे पास PbO2 है, ठीक है, SO4-2 और 4H+, दो सल्फेट आयन और 4H पॉजिटिव, इनको मिलाकर के मैं लिख सकता हूं 2H2SO4, क्या लिख सकता हूं, इनको मिला के 2H2SO4। भाई देखिए 4H पॉजिटिव और दो सल्फेट, ये कहां से आएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से ही तो आए हैं, तो इनको मिलाकर के एक साथ मैंने यहां पे क्या लिख दिया, दोनों सल्फेट और 4H पॉजिटिव को मिलाकर मैंने लिख दिया 2H2SO4, ठीक है, 2H2SO4। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां LHS में, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और RHS में भी हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये LHS और RHS में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एरो साइन, प्रोडक्ट की तरफ देखिए क्या है आपके पास, PbSO4, PbSO4 कितने PbSO4, 2 PbSO4, एंड हाउ मेनी H2O, 2 H2O। तो स्टूडेंट्स ये हो गई लेड स्टोरेज बैटरी की ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ओवरऑल रिएक्शन नहीं बतानी है, आपको बताना है रिचार्जिंग रिएक्शन या चार्जिंग। आपसे अगर पूछा जाए कि जब उसको चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग रिएक्शन या रिचार्जिंग रिएक्शन, एक ही बात है। दोनों ही तरीके में जब हम इस बैटरी को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो इस रिएक्शन की ठीक अपोजिट होगी। ये वाली रिएक्शन कब चल रही है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, यानी कि लाइट गई हुई है, आप इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये वाली रिएक्शन चल रही है, इसको आप कह सकते हैं डिस्चार्जिंग। कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, यानी कि बैटरी जब यूज हो रही है तो उसमें ये रिएक्शन हो रही है। अब आप उसको रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज करेंगे तो इसके इन्वर्ट रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है रिचार्जिंग रिएक्शन, रिचार्जिंग बोल दो या सिर्फ चार्जिंग बोल दो, तो वही क्या रिएक्शन लिखनी है आपको, तो आपको इसके प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि आपको लिखना है यहां पर 2 PbSO4 प्लस 2 H2O
एरोसाइन पीबी प्लस पीबी ओ टू प्लस टू एच टू एस ओ फोर टू एच टू एस ओ फोर। तो ये हो गई रिचार्जिंग रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स? रिचार्जिंग यानी कि जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी में ये वाली केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इन सबके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इन सबके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्लैक स्टोरेज बैटरी से रिलेटेड पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, वो है ये कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह भरा गया है इलेक्ट्रोड के बीच में, उसकी कंसंट्रेशन पे क्या असर पड़ता है जब आप बैटरी को यूज कर रहे हैं, यानी कि बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही है, या जब आप बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं, आपने उसको किसी सोर्स से जोड़ रखा है, इन दोनों सिचुएशन में क्या असर पड़ रहा है। तो इसकी हम बात करें तो यहां पे देखिए स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखें ओवरऑल रिएक्शन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई H2SO4 रिएक्टेंट की तरफ है, यानी कि ये कंज्यूम हो रहा है, ये यूज हो रहा है, और इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। जब आप बैटरी को यूज कर रहे हैं तो H2SO4 की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है और क्या बनता जा रहा है? PbSO4, यानी कि PbSO4 की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है या डिस्चार्ज होती है या जब हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल में ले रहे हैं, उस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, लेड स्टोरेज PbSO4 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन एक लेवल से नीचे चली जाएगी, जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए उससे नीचे चली जाएगी, तो लेड स्टोरेज बैटरी काम करना बंद कर देगी, धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आपको उसको फिर से क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। अब देखिए जब हम उसको चार्ज करेंगे तो क्या होगा? जब हम लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो PbSO4 कंज्यूम होता है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाएगी, और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो इसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ते जाएगी। यानी कि डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग के दौरान अगर मैं बात करूं, जब हम यूज कर रहे हैं डिस्चार्जिंग में, सल्फ्यूरिक एसिड कम होता है, PbSO4 बनता है, और जब रिचार्ज करते हैं तो PbSO4 कम होता है, H2SO4 बनता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेड स्टोरेज बैटरी से रिलेटेड। इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है। अगर आपको डायग्राम के लिए बोला जाए तो आप एक सिंपल कंटेनर बना देंगे। कंटेनर में आपको दो तरह के इलेक्ट्रोड्स दिखाने, एक इलेक्ट्रोड आप दिखा देंगे भाई ये तो एनोड, ठीक है, एनोड के अंदर आपको दिखा देना है कि ये पीबी की रॉड है। किससे बनाई है? पीबी से बना हुआ है, ठीक है। एक आप इसमें दिखा देंगे कैथोड कि भाई ये कैथोड है, देखो बहुत सिंपल डायग्राम पूछा जा सकता है। तो ये आपने यहां पे कैथोड दिखा दिया, ये वाला आप बोल देंगे भाई ये PbO2 इसके अंदर भरा हुआ है कैथोड के अंदर, ठीक है, ये PbO2 है और सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर भरा हुआ है 38%। कितने परसेंट? 38% H2SO4 का सॉल्यूशन इसके अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट है। सिंपल डायग्राम है, बना सकते हैं, 3D डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बुक्स के अंदर इसका डायग्राम 3D में दिया हुआ मिलता है कई जगह, तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट ये थे लेड स्टोरेज बैटरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक टॉपिक है। मेरी तरफ से मैं इसको 100 out of 100 देता हूं। मेरी तरफ से 100% चांस है लेड स्टोरेज बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आने की। अगर इससे रिलेटेड नहीं आता तो फ्यूल सेल से रिलेटेड आने की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, नैनोस्टिक क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स, ये चार ही चीजें हैं जो हम स्पेशली यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन है, कुछ रिलेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूल सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आएंगी और उसके बाद नैनोस्टिक क्वेश्चन एंड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें। जितने भी वीडियोस मैं एग्जाम से पहले बना रहा हूं आप उनको शेयर करें अलग अलग बच्चों के साथ जो 12th क्लास में हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।